Good afternoon, friends. I am Gauhar and I have secured 137 rank this year. Okay, let's start. I will ask some question from you. How many of you think that you have not very good English and you will not secure good marks in interview and mains? Anybody? Wow, that's good. Because I was definitely not among one of you. Okay. How many of you think that these people we are standing here are different from some other planet and you cannot be here? No one. Wow. That's good. So, this was my fifth attempt. And jaisa ki sab logon ne kaha, main bhi har stage pe fail hua hu. I and Junaid, who is sitting here, obviously he's rank 3. So, so we used to be live together and all. But ek cheez jo sare logon ne kahi, कि यू हैव टू हैव अ फेथ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आपके अपने ऊपर यकीन नहीं है, जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, यू कैन नॉट डू इट. प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. प्रिलिम्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हैव नॉट एबल टू स्कोर वेरी गुड. आई थिंक आई हैव मिस्ड बाई 2 मार्क्स एंड रेस्ट ऑल आई हैव क्लियर्ड प्रिलिम्स. मेंस में मुझे हमेशा प्रॉब्लम हुई, रब भी होती है, क्योंकि इस साल भी मैंने नहीं अच्छा स्कोर किया है मेंस में. Somehow I got good marks in interview. I have secured 201 marks in interview. तो ये है कि बस जैसे नित्यानंद ने कहा था, हम लोग साथ में इंटरव्यू के वक्त में रहते थे, कि लगे रहना होता है. तो आप लोग भी लगे रहिए, वाकई लगे रहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव होगा ना. पाँचवें अटैम्प्ट में ठीक है, अभी भी मेरे मेन्स में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बट इतना आ गया कि चलिए लिस्ट में आ गया मैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लगे रहिए, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए, आइडेंटिफाई करते रहिए. लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो आई हैव सिक्योर्ड 168 मार्क्स. तो मुझे लगा कि दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ, जहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो आपको अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है कि वेयर माई स्ट्रेंथ लाइज. UPSC में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि किसी भी एक जगह पर अगर आप इम्प्रूव करें तो एटलीस्ट यू विल बी इन लिस्ट लाइक मी, इफ नॉट अमंग द टॉपर्स. तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू इज़ वन एरिया जहाँ पे अगर मैं वर्क करूँ तो आई कैन गेट एटलीस्ट इनटू द सर्विसेज. एंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगा इंटरव्यू के लिए क्या है, मैंने खान सर से भी टिप्स लिया था एंड बाकी लोगों से भी, कि जस्ट बी नॉर्मल व्हाट यू आर, गो एंड हैव ए कन्वर्सेशन एंड पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम. मुझसे जैसे ही उन्होंने गया तो उन्होंने, मेरा नाम गौहर है, आप लोग जानते होंगे, कुछ और लोग भी इस नाम से मशहूर हैं. तो उन्होंने, भोसले सर का बोर्ड था, उन्होंने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी यू. तो मैं घुसते घुसते जो इन्होंने क्या कह दिया, तो बोले आई एम एक्सपेक्टिंग सम ब्यूटिफुल गर्ल कमिंग. तो मैंने कहा सर होपफुली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इंटरव्यू. तो so actually you have to show them that you are confident from inside, it's not that you have any kind of fear or something. To fir uske baad se aur bhi bahut sare questions puche gaye, jaise what are your qualities. Unhone kaha you have 10 seconds, tell me your 10 qualities. If you want you can use this pencil and paper which is put in there. I have started writing, so I have written 8 or something. So actually this is what I am trying to tell, that I am not fearing anything. Mujhe kisi cheez ka dar nahi hai, theek hai. So it's just a conversation thing, and obviously luck factor to hota hi hai involved. So it's just that be confident about yourself ki yes, kabhi na kabhi kisi na kisi attempt mein 5-6 attempt de rahi hai UPSC, so kahin na kahin to lagega hi. So just about that, just and very important thing, enjoy your studies. एट टाइम्स ओके यार आज ये करना है, ऐसा होता है हमारे साथ, डोंट डू दैट. इन्जॉय योर स्टडीज, डिस्कस विद अदर्स, ओके आज आज ऐसा हो गया, नॉट टू पॉलिटिकल, बट देन आज ये चीज़ चल रही है, वट इज़ योर व्यू पॉइंट अबाउट इट. क्रिएट योर ओन ओपिनियंस दैट वट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ओरिजिनैलिटी फेच यू मार्क्स हियर.